नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट जो कि हमने प्रिपेयर करना सीखा है, उसमें हमने एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना भी सीख लिया है, लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करके और फिर इसमें हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में हम टेबल्स इंसर्ट करते हैं, कैसे अपने डॉक्यूमेंट के लिए कवर पेज इंसर्ट करते हैं, वो सब चीज़ें जानेंगे। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इंसर्ट करना सीखेंगे किस तरह से टेबल्स और अलग अलग चीज़ें इंसर्ट करी जाती हैं। तो अभी तक हमने देखा कि वर्ड प्रोसेसर के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट फाइल्स क्रिएट करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें कई सारे पेजेस हो सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे जैसे हम काम करते हैं, जैसे जैसे हम टाइप करेंगे, इसमें कंटेंट डालेंगे अपनी फाइल में, तो एक पेज की जो सीमा है वो पूरी होने पर अपने आप नया पेज आ जाएगा, राइट? और नए पेज से आपका काम शुरू हो जाएगा। जब वो पेज भर जाएगा तो अपने आप नए नए पेजेस आते जाएंगे, आपका काम चलता रहेगा। तो अ डॉक्यूमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। एक डॉक्यूमेंट फाइल जो हमारी, हम वर्ड प्रोसेसर में जो फाइल बनाते हैं वो बेसिकली डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है, डॉक्यूमेंट कहलाती है, राइट? एक डॉक्यूमेंट में कई सारे पेजेस हो सकते हैं। एक फाइल एक पेज की भी फाइल हो सकती है और हजार पेज की भी फाइल हो सकती है, कितने भी पेजेस जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने देखा कि जो आजकल बुक्स होती हैं या बड़े बड़े जो फाइलें बन रही हैं वो सब वर्ड में तैयार हो सकती हैं आसानी से, राइट? और जैसा कि हम देखते हैं एक बुक में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल बुक का है, उसमें कई सारे पेजेस होते हैं, हमें बताना होता है एक पेज पर क्या दिखेगा, दूसरे पे क्या दिखेगा। मान लीजिए हमें उस बुक के लिए इंडेक्स तैयार करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, कि कौन से पेज पर क्या क्या है, वो सब चीज़ें हम वर्ड प्रोसेसर में तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट तैयार कर सकते हैं, आप हर एक पेज पर कुछ हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं। हेडर फुटर क्या होता है, जैसा कि हमने देखा है कि पेज के नीचे की तरफ पेज नंबर आता रहता है, हर पेज पर वो अपडेटेड रहता है। इसी तरह से पेज के टॉप पर बुक का नाम आ रहा है या पब्लिशर ऑथर का कोई नाम अगर हम देना चाहें। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हम यहाँ जो फाइल बना रहे हैं उसके सभी पेजेस पर, पेज के हर एक पेज के टॉप पर और बॉटम में हमें कोई कंटेंट चाहिए और वो अपडेट भी होता रहे। जैसे हमने चार पेज की फाइल बनाई, पांचवा पेज डालते ही उसमें ये चीज़ें आ जाएं अपने आप। अगर बीच में हमने कोई पेज डाल दिया तब भी वो चीज़ें हों, तो सब चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। आपको खुद जाकर पेज नंबर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने दो पेज के बीच में एक नया पेज डाल दिया, राइट? तो अपने आप उसके पेज नंबरिंग अपडेट हो जाएगी। तो वो हेडर एंड फुटर फीचर कहलाता है जो कि हम इंसर्ट करना सीखेंगे अभी, राइट? और एडिटिंग हम कर सकते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एडिटिंग करी जा सकती है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के तरीके कुछ कुछ वैसे ही हैं। हम दो तरीके से टेक्स्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से हम कर सकते हैं या फिर माउस के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जहां हम टाइपिंग करते हैं वहां कर्सर ब्लिंक करता रहता है, जब हम कीबोर्ड से कोई कीज दबाएंगे तो वो टाइपिंग जहां कर्सर है वहीं से स्टार्ट होगी। अब अगर हम कीबोर्ड से सिलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, हम शिफ्ट की और एरो कीज का इस्तेमाल करके सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे शिफ्ट की दबा के रखते हैं और एरो की से आगे पीछे ऊपर नीचे जहां भी सिलेक्शन करना है वो कर पाते हैं। जब आप करके देखेंगे तो आपको इसका आइडिया लगेगा, आपने करा भी होगा अभी तक। और इस तरह से हम कीबोर्ड के द्वारा सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जहां हमारा कर्सर है, पहले तो आप कर्सर को वहां ले जाइए जहां से आपको सिलेक्शन स्टार्ट करना है या जिसके आगे से पीछे से आपको स्टार्ट करना है, और उसके बाद कर्सर सही जगह पे प्लेस करने के बाद आपको शिफ्ट की दबा के रखनी है और एरो कीज की सहायता से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप माउस की सहायता से सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप माउस ड्रैग कर सकते हैं। आप जिस लाइन पर हैं उधर आप माउस को ड्रैग करिए, आप उस लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ को, पूरी की पूरी फाइल को। इसके अलावा कुछ और शॉर्टकट्स भी हैं सिलेक्शन करने के। सिलेक्शन करना आना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें
किसी भी प्रकार की एडिटिंग या फॉर्मेटिंग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि बुक में होता है कि कोई टेक्स्ट जैसे हेडिंग है वो बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, नीचे का टेक्स्ट छोटा दिखाई दे रहा है, राइट। इसी तरह से कुछ मान लीजिए पेज के नीचे नोट्स डले हुए हैं, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स डले हुए हैं, तो वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट के अंदर आप अलग अलग जो टेक्स्ट हैं उनकी फॉर्मेटिंग अलग अलग रख सकते हैं, राइट। जैसे हमने नोटपैड में काम किया था तो हम जो भी फॉर्मेटिंग करते थे वो पूरी फाइल पर अप्लाई होता था, लेकिन वर्ड प्रोसेसर के डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है। आप एक ही फाइल में एक ही पेज पर अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि 10 लाइन का अगर हमारा पेज आ रहा है तो 10 लाइन अलग अलग फॉर्मेटिंग्स में देखें, तो ये वर्ड प्रोसेसर में संभव है, राइट। सिलेक्शन करने के शॉर्टकट्स ये हैं कि जैसे आपकी जो फाइल है उसमें आप माउस को ड्रैग करके तो आप सिलेक्शन कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप किसी पैराग्राफ पे डबल क्लिक करते हैं, ट्रिपल क्लिक करते हैं, तो उनसे भी सिलेक्शन हो जाता है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। इसी तरह से जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ है, उसके लेफ्ट हैंड साइड एक हम बोलते हैं सिलेक्शन बार। उस सिलेक्शन बार पर माउस पॉइंटर लेके जाके हम अगर क्लिक करते हैं तो भी लाइन सेलेक्ट हो जाती है, और डबल क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, राइट। तो एक चीज को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तब आपको ये समझ में आएगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं आगे के लिए अपनी कॉपीज में। तो सबसे पहले फाइल ओपन करते हैं। फाइल ओपन करने के लिए ऑफिस बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर जब क्लिक करेंगे तो न्यू, ओपन, सेव, ये सारे जो कमांड्स हैं ये हमें दिख जाएंगे। हम अपनी फाइल यहाँ पर जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट से भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइल आ गई। अब देखिए ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो एरिया है ये सिलेक्शन बार कहलाता है। देखिए यहाँ पर मैंने माउस पॉइंटर ये पॉइंट करा, क्लिक करा तो लाइन सेलेक्ट होगी। इसी तरह से नीचे आए, नीचे एक दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्लिक किया लाइन सेलेक्ट हो गई, नीचे क्लिक किया लाइन सेलेक्ट हो गई, फिर लाइन सेलेक्ट हो गई। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक कर दूं तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया, राइट। पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इस टेक्स्ट को कट कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए होम टैब पर हमें एडिटिंग और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, आपने यहां से दिया कट हो गया, और जहां भी आपको पेस्ट करना हो आप क्या दे देंगे, पेस्ट कमांड, तो पेस्ट हो जाएगा, राइट। कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहां भी रहेगा और कहीं दूसरी जगह पर भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम कुछ कट या कॉपी करते हैं तो वो कहां चला जाता है, क्लिपबोर्ड में, और क्लिपबोर्ड से हम उसको कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हैं, जब तक कि हम कोई दूसरी चीज कट या कॉपी नहीं कर लेते, हम उसको पेस्ट करते रह सकते हैं, राइट। इस तरह की लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट बनाने के लिए यही होम टैब पर हमारे पास बुलेट्स और नंबरिंग वाली ये लिस्ट आ रही है। हम बुलेट्स की मदद से या नंबरिंग्स की मदद से किसी भी प्रकार की सूची यानी कि लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देखो टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसमें एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे अंडरलाइन करा, बोल्ड कर दिया, इटैलिक्स कर दिया, राइट, स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दे दिया। इस तरह से ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोल के हम अलग अलग तरह के जो इफेक्ट्स हैं वो भी देख सकते हैं। कैरेक्टर्स के बीच में क्या कितनी स्पेसिंग हो, कितनी दूरी हो, इसके लिए कैरेक्टर स्पेसिंग टैब है, राइट। और अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं तो ये किसकी शॉर्टकट की है, अंडू की, हम अंडू कर रहे हैं, और अंडू करने के बाद कोई चीज लगता है कि नहीं ये तो रहनी ही थी, तो रीडू कर सकते हैं आप, राइट। तो अंडू रीडू एक्शंस भी हैं, कुछ गलती हो जाए तो अंडू या रीडू करा जा सकता है। कोई भी लिस्ट बनाते हैं, आप कोई भी पॉइंट बीच में डालते हैं तो अपने आप वो चीज अपडेट हो जाती है। देखिए डी के बाद ई पॉइंट आ रहा था, डेकोरेटेड टेक्स्ट, हमने डी के बाद एंटर की दबाई, अपने आप एक नया पॉइंट आ गया। अगर हम डिलीट कर देंगे इसको, ये देखिए अपने आप एफ वाला क्या हो गया, ई हो गया, ये देखिए
तो लिस्ट अपने आप अपडेट हो जाती है, और कभी भी आप इसको चाहें, जो आपकी लिस्ट है कि भाई मुझे तो बुलेट्स चाहिए, आप चेंज कर सकते हैं, राइट? तो बहुत आसान है ये सारी चीज़ें करना। इसके अलावा जैसे कि हमने टेक्स्ट एडिटर में फाइंड रिप्लेस काम में लिया था, यहाँ पर भी हमारे पास फाइंड रिप्लेस कमांड्स हैं, हम किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, फाइंड करने के बाद उसको रिप्लेस करा जा सकता है किसी दूसरे टेक्स्ट से, राइट? और गो टू कमांड की मदद से हम किसी भी पेज पर, किसी भी लाइन नंबर पर, किसी भी बुकमार्क पर पहुंच सकते हैं। जैसे आप अपने कॉपी किताब में बुकमार्क रखते हैं, ऐसे यहाँ पर भी बुकमार्क रखा जा सकता है। आप किसी भी टेक्स्ट पर एक बुकमार्क डाल दीजिए, फिर आप गो टू में बुकमार्क को जब सेलेक्ट करेंगे तो आप बता पाएंगे कि मुझे किस बुकमार्क पर जाना है। तो बिल्कुल जैसे आप अपने डेली यूज में करते हैं, वैसे ही यहाँ पर बुकमार्क्स इस्तेमाल करे जा सकते हैं, राइट? तो जैसे एक रिप्लेस, फाइंड रिप्लेस हम करके देखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर कहाँ कहाँ लिखा है, तो फाइंड करते हैं। फाइंड वर्ड हमने लिखा, वर्ड, चलिए केवल वर्ड को सर्च करते हैं। तो हमने कहा फाइंड नेक्स्ट, ये देखिए इसने यहाँ पे दे दिया कि क्या लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है। अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस वाला ऑप्शन चुनूंगी, मैंने लिख दिया एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए एमएस वर्ड, और मैंने कहा रिप्लेस, तो उस जगह पर रिप्लेसमेंट हो गया। ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एमएस वर्ड। फिर यहाँ इसने दिखाया वर्ड प्रोसेसर इज सॉफ्टवेयर, ये कुछ लिखा हुआ है, अगर हम कहेंगे रिप्लेस तो रिप्लेस हो जाएगा। फिर इसने यहाँ दिखा दिया, अब इसको हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमने कहा फाइंड नेक्स्ट तो ये इग्नोर हो जाएगा, रिप्लेस नहीं होगा, राइट? तो इस तरह से ये एक एक सर्चिंग करके हमें बताता जाता है, और हम फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने सिंपल टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग तो कर ली, उसके अलावा हमने और भी क्या चीज़ें करके देखी थी, हमने पैराग्राफ संबंधित फॉर्मेटिंग्स करके देखी थी। ये पैराग्राफ संबंधित फॉर्मेटिंग है, हम अपने पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन कर सकते हैं, हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई में क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पॉइंट्स एक ही होते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको होम टैब में मिलेगी, आप जो भी चीज़ें करना चाहें वो कर सकते हैं, राइट? तो बच्चों जैसे आपने देखा कि जब हम काम कर रहे हैं इसमें, हम टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप क्या हो रहा है, अपने आप पेजेस आ रहे हैं, राइट? अपने आप पेजेस आ रहे हैं। मान लीजिए मैं कुछ काम कर रही हूँ लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बीच में एक पेज आना था, तो आप खुद भी पेज इंसर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल की और एंटर की दबाने पर एक नया पेज इंसर्ट करा जा सकता है। अगर हम कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाएंगे तो जहां पर भी हमारा कर्सर है वहां पे एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी पेज इंसर्ट करना है कहीं पर भी, वहां पे आप कर्सर को प्लेस कर दीजिए और फिर अगर आप कंट्रोल एंटर की दबाते हैं तो पेज इंसर्ट हो जाता है, राइट? तो पेज इंसर्ट कर सकते हैं आप कभी भी कहीं पर भी, एक नया पेज आपके पास आ जाएगा, राइट? जो भी हमारा पेज होता है, पेज में हम कंटेंट तो डालते ही हैं, राइट? पेज में हमारा कंटेंट तो होता ही है, कोई भी कंटेंट कुछ भी हो सकता है, इट मे बी टेक्स्ट, इट मे बी सम इमेज, इट मे बी अ टेबल, कोई डायग्राम, कुछ भी हो सकता है कंटेंट। इसके अलावा पेज के टॉप में अगर कोई इंफॉर्मेशन हम डालना चाहते हैं, हर एक पेज पर वो इंफॉर्मेशन दिखे, तो उसको कहा जाता है हेडर, हेडर। और पेज के नीचे की ओर अगर हम कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो हम डालते हैं कहां पर, फुटर पे। तो हेडर कहां आता है, पेज के टॉप पर, और फुटर आता है पेज के नीचे। अगर
हम हेडर फुटर डालते हैं तो वो हर एक पेज पर दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि इस पेज पर दिखाई दे इस पे ना दिखाई दे, सभी पेज पर दिखाई देगा। अब फुटर में हम पेज नंबर डाल सकते हैं, तो ये जो पेज नंबर है ये अपने आप जैसे ऐसे नए पेजेस आएंगे या बीच में नए पेजेस डालेंगे आपके पेज नंबर अपने आप अपडेट चलेंगे। आपने नया पेज डाला उसके साथ ही आपका ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी पेजेस हैं सब अपडेट हो जाएंगे पेज नंबर्स। बीच में भी आप अगर कोई पेज डालते हैं नया इंसर्ट करते हैं तो अपने आप पेज नंबर्स अपडेट हो जाते हैं, राइट? तो पेज इंसर्ट किया जा सकता है और पेज इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर है। हम कर्सर को प्लेस करके अपना, मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक पेज पर दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, मुझे दोनों पैराग्राफ्स अलग अलग पेज में दिखाने हैं, तो उन दोनों पैराग्राफ के बीच में जो जगह है वहाँ पे कर्सर को प्लेस करके जब मैं कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की दबाऊंगी तो एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। हमारा जो नीचे वाला टेक्स्ट है वो नए पेज से शुरू होगा, राइट? तो इस तरह से मल्टीपल पेजेस हम अपने प्रोसेसर, अपने ये जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है इसमें कई सारे पेजेस के साथ हम काम कर सकते हैं और अपना जो कंटेंट है उसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। और ये हमें हेडर फुटर जो फैसिलिटी मिली है इससे और भी अच्छा हो रहा है कि हेडर फुटर डालकर, जैसे मान लीजिए हेडर पे मैंने अपनी बुक का नाम डाल दिया तो हर एक पेज पर ये दिखाई देगा। अगर कभी कुछ चेंजेस होते हैं, मैं एक जगह चेंज करूंगी और सभी पेजेस में वो बुक का नाम या जो भी कुछ हमने डाला है वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हेडर फुटर एक यूटिलिटी है। जब आप हेडर फुटर डिजाइन करते हैं तो आपने यूटिलिटी काम में ली, उसके बाद वो सभी पेज पर दिखाई देने लग जाती है। अगर आप उसमें कोई चेंजेस करते हैं तो चेंजेस जब आप कर लेते हैं उसके बाद चेंजेस सभी पेज पर अपडेट हो जाते हैं और सभी पेजेस पर उस तरह से दिखाई देने लग जाता है, राइट? तो इस तरह से अलग अलग पेजेस, हेडर फुटर, ये हमारी एक फाइल को जो हम क्रिएट कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर में उसको बहुत इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक वर्ड में जो वर्ड की फाइल है उसमें जब भी हम एंटर की दबाते हैं एक नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास अगर मान लीजिए दो पैराग्राफ्स के बीच की दूरी को मुझे घटाना है या बढ़ाना है तो वो फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं जो कि पैराग्राफ से संबंधित है। उसमें हम बता सकते हैं कि पैराग्राफ के बीच की दूरी को घटाना है या बढ़ाना है, लाइंस के बीच की जो दूरी है उसको भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। आप पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं, पैराग्राफ की लाइंस को फॉर्मेट कर सकते हैं, पैराग्राफ के चारों तरफ आप बॉर्डर्स और पैराग्राफ के अंदर शेडिंग्स जो है फिल कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें अभी तक हमने करके देखी हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से आने के बाद हम कुछ नई चीजें इंसर्ट करना सीखेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें तो हमने रिवाइज कर ली, अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें और इसमें कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट बनाते वक्त हम किन चीज़ों की मदद ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम इंसर्ट कर सकते हैं, चलिए उनको देखते हैं, फिर एक एक करके हम सीखेंगे ये सारे कार्य करना। तो जैसा कि आपने देखा, सबसे ऊपर टाइटल बार आती है जिसपे हमारी फाइल का नाम लिखा रहता है, फाइल सेव है। अगर फाइल सेव नहीं है तो उस पर सिंपली आपकी जो एप्लीकेशन है उसका नाम लिखा रहता है। ऑफिस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम यहाँ से जो हाल ही में फाइल्स बनाई हैं उसकी लिस्ट यहाँ आती रहती है, अपन ओपन कर सकते हैं किसी भी फाइल को क्लिक करके। यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, तो इनमें अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके लिए। जैसे कि आपको अगर पेज से संबंधित कुछ सेटिंग्स करनी है तो आप पेज लेआउट पे जाएंगे। मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट का रिव्यू जो है वो करना है, उससे संबंधित ऑप्शंस चाहिए तो आप रिव्यू पे जाएंगे। अपनी फाइल को कैसे देखना है, क्या करना है उसके लिए व्यू, किस तरह से देखना है व्यू, तो होम पर क्लिक करेंगे तो हमें एडिटिंग एवं फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस हैं जिनसे हम कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग्स को कॉपी पेस्ट करता है। अब जैसे आप कोई भी कंटेंट है इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब होता यह है कि इसको कॉपी पेस्ट करने पे इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी कॉपी पेस्ट हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अब जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा, अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा है इसी तरह की फॉर्मेटिंग मैं नीचे वाले किसी टेक्स्ट पर कर दूँ, तो क्या करेंगे हम, जैसे कि ये फॉर्मेटिंग्स हमें पसंद है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। ये जो क्लिपबोर्ड होम टैब पर क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप है, इसमें ये जो ब्रश बनी है ये फॉर्मेट पेंटर की है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ये किस काम आता है, ये फॉर्मेटिंग्स कॉपी करने के काम में आता है। आपको कोई फॉर्मेटिंग्स पसंद है, उनको ढूंढना क्या क्या चीज़ें करनी है वो सब करने की बजाय आप फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, क्लिक कर दिया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा। अब जहाँ पर भी हमें ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई, कुछ अलग तरह से लिखा हुआ था लेकिन अब कैसे आ रहा है, जैसे ऊपर वाला टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो फॉर्मेटिंग कॉपी आ गई, कॉपी हो गई, टेक्स्ट वही का वही रहा। तो इस तरह से फॉर्मेटिंग्स भी कॉपी करी जा सकती हैं। एडिटिंग करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ ही गई हैं। और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, हम फॉन्ट को कई तरह के इफेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं H2O, अब इसमें जो 2 है ये हम चाहते हैं कि थोड़ा नीचे होके दिखे, तो 2 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर गए फॉन्ट पे और इसमें हमने चुन लिया सब स्क्रिप्ट। ये देखिए ये अब 2 कैसा दिखाई दे रहा है, 2 नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, ये सब स्क्रिप्ट अफेक्ट है, राइट। और जैसे कि मान लीजिए हम यहां पे लिख रहे हैं 23 की पावर 4, अब ये तो 234 नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 4 को चुन लेंगे, फिर फॉन्ट संबंधित सेटिंग्स पर जाएंगे और इसके बाद हमें इसको क्या रखना है, 2 ऑप्शन है, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट, हम इसको रखेंगे सुपर स्क्रिप्ट। पहले वाला हमने सब स्क्रिप्ट करा था वो नीचे जा रहा था, ऊपर करवाने के लिए सुपर। ये देखिए अब लग रहा है ना 23 की पावर 4, पहले तो 234 लग रहा था, तो हम 4 लिखकर जब उसको हमने सुपर स्क्रिप्ट किया तो वो थोड़ा ऊपर की ओर चला गया, उसका फॉन्ट साइज छोटा हो गया, तो इस तरह से हमें दिखाई देने लगा, राइट। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं होम टैब से।
यहाँ पर कुछ स्टाइल्स भी आ रही हैं, आप इनमें से कोई स्टाइल भी अपने डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। अब होम के आगे जो टैब आ रहा है वो है इंसर्ट। इंसर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत तरह तरह की चीजें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के ऑप्शंस हैं। आपको क्या इंसर्ट करना है, देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम। हम ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं, हम पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं, कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, तो तरह तरह के पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं हम इंसर्ट में। इसके अलावा टेबल भी हम बना सकते हैं, रोज और कॉलम से मिलकर जो टेबल बनती है बच्चों, वो टेबल हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी तरह की पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो भी करी जा सकती है। क्लिप आर्ट के माध्यम से हम कोई भी ड्राइंग अलग अलग कैटेगरीज में, कुछ वीडियो साउंड्स ड्राइंग्स हैं क्लिप आर्ट में, और उसमें से हम क्लिप आर्ट में से कोई भी पिक्चर या कुछ साउंड है वो अपने फाइल में डाल सकते हैं। इसके अलावा हम कोई डायग्राम बनाना चाहें तो वो डायग्राम हम बना सकते हैं। उसके लिए जो शेप्स हैं, जैसे अगर हमें रेक्टेंगल चाहिए या ओवल चाहिए, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा शेप से, इंसर्ट और इंसर्ट के अंदर शेप्स। तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी तरह का सिंबल, किसी भी तरह की शेप, और फिर एक कंप्लीट डायग्राम हम खुद बना सकते हैं, राइट। तो इंसर्ट में बहुत सारे तरह की चीजें आपके करने के लिए, बहुत सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, और क्लिप आर्ट से आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की एडिटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, पिक्चर ऑप्शन आपके पास यहाँ पर शेप्स हैं, आप किसी भी तरह का डायग्राम बना सकते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर हेडर फुटर इंसर्ट करके देखते हैं। तो ये हमारी फाइल है, अब हेडर फुटर इंसर्ट करना है, तो हम क्लिक करेंगे इंसर्ट हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है हेडर फुटर, तो अगर हमें हेडर इंसर्ट करना है हम चुनेंगे हेडर। अब ये हमारे पास अलग अलग प्रकार के हेडर्स आ रहे हैं, हम किसी भी तरह का हेडर अपनी फाइल के लिए चुन सकते हैं। ये देखिए ब्लैंक हेडर जिसमें हम खुद कुछ लिखेंगे, एक ये थ्री कॉलम्स का हेडर है जिसमें आप एक तरफ डेट, एक तरफ टाइमिंग्स, एक तरफ यूज़र का नाम, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। एक और है जिसमें आपको इस तरह से हेडर मिलेगा, तो अलग अलग प्रकार के हेडर्स हैं। आपको जो भी हेडर पसंद है वो आप क्लिक कर सकते हैं उस हेडर पे। ये देखिए ये हेडर इंसर्ट हो गया। अब इस हेडर में जैसे यहाँ पर आ रहा है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, आप जो भी कुछ लिखना चाह रहे हो, जैसे कि आपने लिखा माय बुक ऑफ टेल्स, राइट, ये हेडर आ रहा है, हेडर पे हमने लिख दिया माय बुक ऑफ टेल्स। और इसको क्लोज करके देखते हैं कि क्या ये सभी पर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज हेडर एंड फुटर का बटन है, इसको दबाना है आपको। अब ये देखिए ये हमारा पेज है पहला, यहाँ पर ये हेडर लिखी भी आ रही है। ये हमारा दूसरा पेज है जिसके ऊपर ये हेडर लिखी भी आ रही है। तो इस तरह से हम हेडर्स अगर कुछ डालेंगे तो वो सभी पेज पर नजर आएगी। अब जैसे यहाँ पर अगर हेडर पे मैं बुक का नाम लिख दूं तो वो सभी पेजेस पर नजर आएगा, राइट। तो इस तरह से करा जा सकता है। और अभी तो हमने केवल हेडर डाला है, आप इंसर्ट पे जाके यहाँ पे फुटर भी चुन लीजिए, और फुटर पे आप ये वाला फुटर हमने चुन लिया, तो यहाँ पर मान लीजिए हमें पेज नंबर डालना है,
तो आप पेज नंबर डाल सकते हैं, आप ये देखिए। ये देखिए पेज नंबर आ रहा है, आप यहां से क्लोज कर दीजिए हेडर फुटर को। अब देखिए ये पहला पेज है, फुटर पे लिखा हुआ आ रहा है 1। ये दूसरा पेज है, फुटर पे लिखा हुआ आ रहा है 2। इस तरह से कितने भी पेजेस हम डालेंगे, ये देखिए कंट्रोल एंटर करते हैं। ये देखिए अब 3 पेज, यहाँ पे कुछ और पेजेस हमने इंसर्ट करे, सभी में पेज नंबर लिखा हुआ आएगा। चलिए पहले पेज से शुरू करते हैं। ये देखिए ये पहला पेज है, यहां पे लिखा हुआ आ रहा है 1। आगे बढ़े हम तो और भी पेजेस आ रहे हैं, यहां देखिए पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, ये लिखा हुआ आ रहा है। इसको देख के आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं भाई हम कौन से पेज पर हैं, और फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप स्टेटस बार पे देख सकते हैं। स्टेटस बार पे भी लगातार पेज नंबर्स जो हैं आते रहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं और अभी आप करंट कौन से पेज पर हैं, ये चीज डिस्प्ले होती रहती है, राइट? तो हमने हेडर फुटर डाला और हेडर फुटर पर हम पेज नंबर हमने इंसर्ट किया। तो पेज नंबर इंसर्ट करने से क्या हो रहा है, आप देखिए हर एक पेज पर, ये देखिए जैसे यहां पर लिखा हुआ आ रहा है 7, तो इसके नीचे वाले पेज पे क्या लिखा हुआ आएगा 8। मान लीजिए यहां पर इस 7th पेज पर आके हमने कंट्रोल एंटर की दबा दी, तो ऊपर वाला तो पेज नंबर 7 हो गया, नीचे 8 आ गया, और 8 वाला क्या हो गया 9। तो ये पेज नंबर्स अपने आप अपडेट हो रहे हैं, हमें हम जब पेज डालेंगे या बीच में हम कुछ लिखेंगे तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि भाई हम पेज नंबर्स को भी हमें अपडेट करना होगा, पेज नंबर्स अपने आप अपडेट हो जाएंगे, राइट? तो इंसर्ट पे जाके आप कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज क्या है कि भाई हम एक नया एक पेज इंसर्ट कर रहे हैं। पेज ब्रेक का मतलब है जैसे कि ये मान लीजिए ये 2 टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने, पेज ब्रेक का मतलब होता है कर्सर को प्लेस करके उस जगह से पेज ब्रेक कर देना। अब जैसे यहां पर है, यहां पर हमने क्लिक करा और हमने कहा पेज ब्रेक, यानी कि यहीं इस कर्सर जहां पर है वहां पर ही पेज ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए पेज ब्रेक होने से कर्सर के आगे जो भी कुछ था वो नए पेज पे चला गया, इस पेज पर इतना ही है, इस पेज पे कुछ लिखा हुआ था यहां हमने पेज ब्रेक दे दिया तो उसके आगे वो सारा जो कंटेंट है वो नीचे के पेज पे चला गया, पेज ब्रेक हम दे सकते हैं। ब्लैंक पेज का अर्थ होता है कि हम मान लीजिए यहां पर हम चाहते हैं नया ब्लैंक पेज आ जाए, तो ब्लैंक पेज, तो यहां पर हमें कहीं पर भी ब्लैंक पेज चाहिए तो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। और कवर पेज क्या है, कवर पेज होता है कि जो हमारा फर्स्ट पेज होता है कि हम उसको डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे हमारे बुक का पहला पन्ना जिस पर बुक का नाम है, ऑथर का नाम है, एडिशन वगैरह है, ये सब चीजें लिखी रहती हैं, वो पेज कवर पेज कहलाता है। तो आप कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको कई तरह के फॉर्मेट्स मिलेंगे कवर पेज बनाने के लिए। आप किस तरह का कवर पेज बनाना चाहते हैं, मान लीजिए इस तरह का, या देखिए कई तरह के कवर पेजेस आ रहे हैं, आप अपनी पसंद का कवर पेज चुनकर उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कवर पेज इंसर्ट हो गया। और जैसे कि आपने कुछ हेडर में लिखा था आपकी बुक का नाम, वो चीज यहां लिखी हुई है भी आ गई अपने आप, माय बुक ऑफ टेल, राइट? किसने बनाया है, ऑथर का नाम क्या है, कुछ और चीजें आप देना चाहें जैसे कि ईयर मांग रहा है ये, हम यहां पर कुछ और देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो इस तरह से हमने दे दिया 2019 माय बुक ऑफ टेल्स। हम इस पिक्चर को बदल सकते हैं, ये देखिए ये पिक्चर है हमने सेलेक्ट कर ली, ये पिक्चर जो है जिस भी चीज की है इसको हटाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, राइट?
इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी कि आप कवर पेज को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। यहां पर आप और कुछ टाइप करके ऑथर का या पब्लिशर का नाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो ये कवर पेज है जो कि हमारा पहला पेज, पहला पन्ना होता है किसी भी फाइल का, किसी भी बुक का, किसी भी आर्टिकल्स का, राइट। तो पहला पन्ना जो है वो कवर पेज कहलाता है और यहां से हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक पेज कहते हैं तो ब्लैंक पेज इंसर्ट होता है। पेज ब्रेक कहते हैं तो जहां पर कर्सर होता है वहां से हमारा पेज जो है कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, नया पेज से शुरुआत होता है आगे की कंटेंट जो है उसका। और अगर हम कवर पेज देंगे तो क्या होगा, पहला पेज जो है वो इंसर्ट हो जाएगा और हमें नए नए फॉर्मेट्स भी मिलेंगे। हम किसी भी प्रकार का फॉर्मेट अपने लिए चुन सकते हैं। तो हमारे पेज, हमारी जो बुक हम बना रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका पहला पेज कैसा दिखाई दे, उस पर क्या लिखा हुआ हो, वो सारी चीजें हम यहाँ डिसाइड कर सकते हैं। तो आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके अलग अलग पेजेस को, उन पेजेस पर हेडर फुटर को, कवर पेजेस को, इन सब को आप बहुत आसानी से वर्ड प्रोसेसर में हैंडल कर सकते हैं। और इस तरह से अलग अलग पन्नों पर आपका जो कंटेंट है उसको अरेंज करना है ना, वो सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। कभी भी आपने नया पेज डाला, अपने आप उस पर जो पेज नंबर है या कुछ और है वो अपडेट हो जाएगा, राइट। तो बच्चों आज हमने डॉक्यूमेंट कंप्लीट, एक डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, नए पेज डालना, कवर पेज डालना, इस तरह से एक डॉक्यूमेंट इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर बनता है और इनके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी फाइलों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसर में, जैसे कि हम एक नई टेबल डालना चाहें, हम कोई पिक्चर डालना चाहें, हम पेज पर कोई बॉर्डर लगाना चाहें, अपने पेज को पूरा रिव्यू करना चाहें, तो वो कैसे करेंगे, हमारे पेज में कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं ये हमें पता करनी है, उनको करेक्ट करना है, तो इन सब के भी टूल्स वर्ड प्रोसेसर में उपलब्ध हैं, जिनको हम आगे जो अपनी क्लासेस आएंगी उनमें सीखेंगे। और इस तरह से आप एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसमें एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, रिव्यू करना, वो सारी चीज़ें भी आपको आ जाएंगी। लेकिन इन सब पर अपनी पकड़ के लिए आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहनी होगी। चलिए बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।